नमस्कार, यूके लाइव के पोर्टल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय पर मैं हूं चंपावत विधानसभा 55 में, जहां पर कि अभी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जी अपना भाग्य आजमा रही हैं। जैसा कि आपको बता दें, इस बार जो चुनाव हुए थे 2022 में विधानसभा, तो उस समय जो 6 महीने पहले जो बीजेपी की स्थिति थी वो बेहद नाजुक थी, और उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ मेहनत इन 70 विधानसभाओं में की कि वो 44 सीटें लाने में कामयाब हुए। लेकिन अपनी विधानसभा सीट खटीमा से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्हें हमारी पड़ोसी जो खटीमा से लगी हुई सीमा चंपावत क्षेत्र, जो कि 55 विधानसभा में आता है, यहां से कैलाश गहतोड़ी जी जीत दर्ज कराने में कामयाब हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के कामों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर के यह सीट उनको दे दी। तो वो अब इस चुनाव में, उपचुनाव जो है मई में 31 तारीख को होने हैं, तो क्या होगा इन चुनावों में? क्या मुख्यमंत्री जी अधिक से अधिक वोटों से यहां जनता नवाजेगी, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब होंगे? ये राय लेंगे हम जनता से। तो इस समय पर मेरे साथ हैं जो कि राजनीति से काफ़ी अच्छे संबंध रखते हैं और कॉलेज के ज़माने से राजनीति में हैं, तो हमारे साथ में सागर भट्ट जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति इस समय चंपावत विधानसभा की बनी हुई है। तो सागर भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूके लाइव के इस पोर्टल पर। और तो आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो लोग भी मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के मतलब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा बदल चुकी है या फिर कुछ और चल रहा है, इस विषय में जानेंगे। और मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति इस क्षेत्र पर होने वाली है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है। वो कम से कम कुछ लोग तो होते ही हैं, लेकिन 95% वोट यहाँ पर भाजपा को पड़ेगा। ये जितने भी जो ये बाहर के हैं, इनकी जो ये जमानत बचा पाए तो बहुत बढ़िया है। और रही बात जो विचारधारा है, जो हमारे पास कांग्रेस के लोग जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग भी जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। वो एक यहाँ पर काफी प्रधानी का चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं और काफी अच्छा इस गांव और क्षेत्र के बारे में जानते हैं हमारे श्री आदरणीय विक्रम शाह जी। इनसे जानेंगे कि क्या इस समय जनता का मूड है और क्या इनका मूड है। तो सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूके लाइव के स्पीच में। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है चंपावत में, इसमें क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की और क्या स्थिति रहने वाली मुख्यमंत्री जी की? धन्यवाद। जो विकास से जुड़ा है और जो ऐसा काम कर सके, उनके बहुत आभारी है माननीय पुष्कर धामी जी। तो मतलब कुल मिला के पुष्कर धामी जी यहाँ से बढ़त बना रहे हैं, आपका कहने का मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद यूके लाइव के बात करने के लिए। और इस समय पर हमारे साथ हैं भूतपूर्व सैनिक श्री त्रिलोक सिंह मेहता जी। उनसे भी जानेंगे, उनकी भी राय लेंगे कि वो अभी अभी आर्मी से रिटायर हुए हैं फरवरी में, तो अब उन्हें यहाँ का जो माहौल लगा है, किस तरीके का उनका माहौल लगा है और वो इस बार किसको अपना वोट देने वाले हैं और क्या जनता का मूड उनको लग रहा है, यहाँ पर उनसे जानेंगे। तो सर, आपका यूके लाइव के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे जानेंगे कि सर, इस बार जो विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर चंपावत क्षेत्र से दोबारा जो बिगुल बज चुका है, इसमें आपको क्या लग रहा है? मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो हमारे लिए सबसे पहले देश हित होता है। तो देश हित के लिए एक ही पार्टी काम कर सकती है, जो है बीजेपी। बाकी और भी पार्टियाँ हैं वो देश हित के लिए काम नहीं कर सकती है। इसलिए जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं वो सब बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, मतलब उनका फुल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर और भी हमारे साथ में लोग हैं, तो इनसे जानेंगे कि हमारे यहाँ पर सरकारी ऑनर हैं, तो यहाँ पर अब ठीक है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं लेकिन कुछ लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। सर भट्ट जी, आप कुछ बोलेंगे? एक बार भट्ट जी से भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, तो ज़रूर इनसे भी जानेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको यहाँ की, क्या स्थिति होने वाली है?
पुष्कर धामी आ रहे हैं। आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, डन आ रहे हैं, डन आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी कांग्रेस के बारे में यहाँ पर बोलने वाले प्रत्याशी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर काफी अच्छा माहौल मुख्यमंत्री जी के पक्ष में जा रहा है। तो और हम आगे की जानकारी लेते हैं जो यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं, काफी यहाँ पर जनता जनार्दन दिख रही है। और यहाँ पर हमारे हेलो सर उपाध्याय जी दिख रहे हैं। उपाध्याय जी नमस्कार सर, आपका यूके लाइव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लग रहा है इस बार आपको, जो विधानसभा जो जो कि उपचुनाव का यहाँ पर चंपावत क्षेत्र में बिल्कुल बच चुका है, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति यहाँ पर लग रही है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है या फिर मुख्यमंत्री जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं? एक बार तो जोरदार मतों से हमारे धामी जी विजय रहेंगे। उनका प्रचार अभी बढ़ती ने कहा था कि 95%, मैं तो कहूँगा कि 100% यहाँ पर अभी वोट बीजेपी को पड़ेगा, क्योंकि उनका अब ये एक क्षेत्रीय भी रह गया है। पहले भी हमारे गैटुड़ी जी यहाँ से विजयी रहे और जितना भरोसा गैटुड़ी जी ने धामी जी पे दिखाया है, तो हमें लगता है कि हमारे वो खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूके लाइव की बात करने के लिए। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।